दस्ते ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले में प्रधानमंत्री के मंच को बुलेट प्रूफ शीशे से ढकने को कहा गया है। एजेंसियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी सलाह को अनदेखा नहीं करेंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी पलों में बुलेट प्रूफ मंच से भाषण नहीं देने का फैसला किया था। यूएन की आम सभा ने इस मसले पर फैसला अगले सत्र के लिए टाल दिया है। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के ग्रुप चार ने आम सभा के इस फैसले पर निराशा जताई है। भारत ने G4 देशों के साथ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा सत्र में इस मुद्दे को लेकर माहौल नहीं बनाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत ने G4 देशों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि यूएन 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में बहुत समय से लंबित सुधारों को क्रियान्वित करने में सफलता हासिल करने और 10 दिशा में आगे बढ़ने में नाकाम रहा। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मनोहर पर्रिकर ने बगैर नाम लिए एक चैनल पर सवाल उठाया, आखिर देश के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है। एक आतंकवादी के मारे जाने पर कई चैनलों के प्रसारण में मैंने जो देखा है वह सही नहीं है। आखिर कोई कैसे ये सवाल पूछ सकता है कि इसको क्यों मारा। अब एक टेररिस्ट को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे। आम आदमी पार्टी के शीर्ष सूत्रों के माने तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस के दिन नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू 25 जुलाई को मीडिया के सामने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने शायराना अंदाज में BJP पर निशाना भी साधा और पंजाब से लगाव का जिक्र किया था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इन सवालों को टालते नजर आए कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। पटना में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल आदि राज्यों में इस प्रकार का नौकरी में आरक्षण लागू है। इन राज्यों की तरह बिहार में आरक्षण लागू होना चाहिए। लालू ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बात करें। उन्होंने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को इसके लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, पर जब नौकरी की बात आती है तो स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के कारण उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने कल गुपचुप शाम 6:30 प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। खान ने कहा कि कल एक नाटक देखा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। खान ने बताया कि 2 महीने पहले उन्होंने अपनी हत्या की साजिश के बारे में उपराज्यपाल और गृह मंत्री को पत्र लिखा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। उन्होंने गृह मंत्री से मांग की है कि सुरक्षा दी जाए। ऑटो टैक्सी यूनियन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बुधवार सुबह से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ चुकी थी। ऑटो टैक्सी यूनियन का कहना है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कमेटी ने अपनी बात रखी, जिसके बाद सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार ने बताया कि NCR से आने वाले ऑटो और टैक्सी वाले वापसी में दिल्ली से बाहर सवारियां नहीं ले जाएंगे। ऐसा करने वाले ऑटो टैक्सी वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय और सरकार द्वारा घोषित बैंकिंग सुधारों के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। 9 बैंकों की कर्मचारी और ऑफिसर्स यूनियनों के प्रमुख संगठन UFBU ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिसे चेक समाशोधन, नकद जमा और निकासी और अन्य सेवाएं प्रभावित होने के आसार है। UFBU 8 लाख बैंक कर्मियों का प्रतिनिधित्व करता है। SBI सहित ज्यादातर बैंकों के ग्राहकों को सूचित कर दिया गया है कि 29 जुलाई को हड़ताल की वजह से सेवाएं प्रभावित हो सकती है। सैफुल्ला से चली पूछताछ से नए सिरे से ये तस्दीक हो रही है कि पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवादी और फिदायीन भेज रहा है। सैफुल्ला ने बताया है कि कश्मीर में जो हालात है उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अभी भी ऐसे कई कैंप पाकिस्तान में हैं जहां लश्कर और दूसरी तंजीमों के आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा है। इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। मौका सार्क सम्मेलन का है, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकवाद पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस ने भी माना है कि राजनाथ को जाना चाहिए।
नाडा के रुख से साफ है कि उन्होंने नरसिंह के आरोपों को ज्यादा तरजीह नहीं दी, लेकिन नरसिंह के साजिश के आरोपों की जांच रिपोर्ट कमेटी शनिवार या सोमवार को ही सौंपेगी। इस बीच कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने साफ किया कि कुश्ती के 74 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व रेसलर प्रवीण राणा करेंगे। उनका नाम इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन को भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वीकृति दे दी है। पुलिस और नाडा की जांच के बाद अगर नरसिंह को दोषी पाया गया तो उन पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगना तय है। कल जब लोग दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकले तो जाम में ऐसे फंसे कि कई कई घंटे सड़क पर ही बिताने पड़े। किसी के पास पीने का पानी खत्म हो गया तो किसी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। रात 1 बजे गुड़गांव पुलिस ने बताया कि गुड़गांव में अभी भी जाम है। रेवाड़ी जयपुर की ओर ट्रैफिक जाम है। गुड़गांव से दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक भले ही खुल गया हो, लेकिन गुड़गांव से मानेसर जयपुर की ओर पूरी तरह से ब्लॉक रहा। यहां तक कि गुड़गांव शहर के अंदर के चौक तक पूरी तरह से जाम रहे, जिसमें हीरो होंडा चौक शामिल है। इस बीच बीते 24 घंटों में आर्या सुपौल में एक और पूर्णिया में 5 लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि नेपाल में बारिश थमने के बाद गुरुवार को सुबह से कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। सीमांचल के जिलों में बाढ़ का पानी अब शहरी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहा है। कटिहार में बाढ़ से बचाव में सेना के जवानों को तैनात किया गया है। कटिहार के कदवा प्रखंड में बुधवार को महानंदा के पानी से घिरे लोगों द्वारा जोगा बेलगछी तटबंध को बढ़िया परती गांव के पास काटने से कदवा और दंडखोड़ा में महानंदा नदी की पानी पूरी तरह फैल गया है। बलरामपुर प्रखंड के लोग भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कदवा प्रखंड की 30 और दंडखोड़ा प्रखंड की 2 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई है।